सबसे पहले तो मतलब इतना रोमांटिक डांस, लेकिन आप दोनों की मूड ऑफ ऑफ क्या चल रहा है ये? ऑफ कोर्स क्योंकि झगड़ा अनबन चल रही है थोड़ी, और थोड़ी सीरियस वाली चल रही है, तो ये सब वेद ने किया है, तो वेद को खुश रखने के लिए ये डांस हो रहा है, नॉट बिकॉज द मोमेंट इज गुड या इट्स वैलेंटाइन डे. तो बस वेद ने इतनी सारे एफर्ट लिए हैं, उसने कैसे भी करके मम्मी पापा को साथ में मिलाया है. उसका ये मानना है कि मेरे स्कूल में सब बच्चों के मम्मी पापा साथ में आज का दिन स्पेंड करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी स्पेंड करें. तो ये सब डेकोरेशन, ये सब उसका प्लान है. हर बार साहिल और वैदिका कोई ना कोई मिल ही जाते हैं. कभी साहिल उनके लिए तैयारी करता है, कभी वैदिका साहिल के लिए करती है, कभी आर्या करती थी, और अब इतना सा वेद. सो किस तरह उन्होंने सजावट की है आज? एक छोटा सा बच्चा इतना सा इतनी सी एफर्ट ले रहा है, तो ऑफकोर्स. और वेदिका और साहिल के लिए, उनके बच्चे उनकी जान है, किसी के लिए भी होते हैं, बट हाँ, और ये इतनी एफर्ट ले रहा है और इतनी छोटी सी नन्ही सी जान ने इतना कुछ किया, तो दोनों का दिल तो पिघलेगा. एक लास्ट चीज़, वेदिका की नाराज़गी साहिल से कब दूर होगी? क्योंकि साहिल और पंक्ति बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, बट आप अभी भी वो गलत फहमी में हैं. होगी, आई होप हो जाए. आई होप वेदिका और साहिल एक साथ कभी तो रहे, बिकॉज जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी साथ रहने का मौका मिलता है, कोई ना कोई डिफरेंसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ना कोई इंसान बीच में आ जाता है, तो आई होप जल्द ही ये दूरी कम हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.